ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने की अमावस्या तिथि और ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप बहुत परेशान हो गए, हमारे विश नहीं पूरी हो रही है। तो ये महादेव का सबसे पवित्र महीना है वैशाख का, उपाय को ज़रूर करिएगा। बस गेहूं के कुछ दाने लेने होंगे, छोटा सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे करना है बहुत ही विस्तार से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखो, ये वही सत्तू वाला उपाय है जो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी, है ना। तो समझेंगे कि सत्तू आप बनाओगे कैसे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे कैसे, है ना, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको, देखो पहले तो बता दूं कि आपको तीन चीज़ों को लेना होगा, ठीक है। उन तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये है जौ, है ना, ये गेहूं के साथ निकलता है। तो ये हो गया आपके सामने जौ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जौ ले लेना। आगे बढ़ें, फिर आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से चने की, है ना। मार्केट में जाओगे आसानी से आपको चने तो मिल ही जाएंगे, तो चना ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से गेहूं की, है ना। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, चना, गेहूँ और जौ। इन तीनों चीज़ों को गैस, मतलब एक छोटी सी कढ़ाई लेना और उस कढ़ाई में तीनों को मिक्स करके भून लेना, अच्छे तरीके से भून लेना। जब हल्का हल्का ब्राउन हो जाए ना, तो क्या करोगे, आपके घर में कोई मिक्सी हो या फिर सिलबट्टे पे कहीं पर भी, जहां भी आपको पीसना हो उसको पीस लेना, ठीक है। पीसोगे तो सत्तू कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा। कहोगे भैया एक बात बताओ, ये सब हमें नहीं आता है, हमें कुछ रेडीमेड सा बता दो, हम बहुत आलसी हैं, हम खुद बना नहीं सकते। तो अगर आप आलसी हैं, अगर आप खुद बना नहीं सकते, तो मार्केट में सत्तू अवेलेबल है। थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है, लेकिन आप मार्केट से चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, घर पे लेके आना, उसके तीन हिस्से करना। कितने हिस्से? तीन हिस्से, ठीक है। तीन हिस्से कर लिए, एक बड़ा हिस्सा करना, दो छोटे हिस्से करना। एक छोटा हिस्सा क्या करोगे, उसको लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। वैशाख के महीने में अमावस्या तिथि के दिन आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित करना है। जब आप समर्पित करें, आपकी जो भी दुविधा आपके जीवन में चल रही है वो बात महादेव से कह देना, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई सत्तू चढ़ाने वाली महादेव को, ठीक है। दूसरी बात बात करते हैं, दूसरी बात ये होती है कि जो दान करने का महत्व होता है अमावस्या तिथि के दिन, वो बहुत बड़ा माना जाता है ना। दान हमें अमावस्या को जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर वो अमावस्या वैशाख के महीने में पड़ जाए ना, तो जो भी आपको दान करना हो, जो भी दक्षिणा वगैरह दान करते हो, जो भी दान करते हो आप करो, लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ा सा सत्तू भी जरूर दान करना चाहिए। जिस किसी को भी दान करते हो, इसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी जिसको भी दान कर रहे हो, थोड़ा सत्तू जरूर दान करना चाहिए। इन तीनों का मिक्सर, है ना, जो चीज मैंने आपको बताई, चना, गेहूं और जौ, ठीक है। दो चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ या फिर कितनी कमज़ोर हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, इतनी मेडिसिन खाती हूँ, एक नियम बना लो। वैशाख के महीने में सुबह ब्रेकफास्ट, जब आप नाश्ता करते हैं ना, पता नहीं क्या ब्रेड, पता नहीं प्रोटीन से रोटीन खाते ही होंगे, तो क्या करेंगे आप, वो सब कुछ हटाओ और एक गिलास सत्तू, मतलब एक गिलास पानी लो, उसमें दो चम्मच सत्तू डालो, उसको घोलो और पी जाओ। करके देख लो, जितने भी वैशाख के दिन बचे हुए हैं, अभी कुछ दिन और बचे हुए हैं, 10-15 दिन, उन 10-15 दिन करके देख लेना। इतनी फुर्ती तंदुरुस्ती आपके बॉडी में आ जाएगी, सारी की सारी दवाएँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी ना। ये ताकत होती है आपकी सत्तू में। आप देखते होंगे गाँव वगैरह में लोग एक गिलास सत्तू सुबह पी के जाते हैं, पूरा दिन खेतों में काम करते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती ना। ये पावर है सत्तू की। अगर आप डायबिटीज़ हैं, अगर आपको शुगर है, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पी जाओ सत्तू को। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसमें गुड़ डाल के पी जाओ। मेरी बात ही मान के देख लो, 10 से 15 दिन आपको खुद नज़र आएगा कि आपकी बॉडी पहले कैसे थी, कितनी बीमारियाँ रहती थी, कितनी आप वीक फील करते थे अपने आप को। उसके बाद बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजिंग आएंगी और आपकी जो दवाएँ होंगी ना, वो भी धीरे धीरे कम जरूर होंगी, है ना। कोशिश की मैंने आप सभी को सत्तू वाले इस उपाय को कैसे दान करना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।